सबको मालूम है और मुझे विश्वास है कि जो लोग जो आप लोग ताकत देते हैं, जिस तरीके से आप लोग मेरे लिए लगते हैं, कुछ लोग नहीं लग पाए किसी कारणवश, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि भूल चूक खत्म, अब आगे की तैयारी करिए और पूरी ताकत से योगी जी के हाथ मजबूत करिए। अमृत सरोवर निर्माण के लिए भूमि पूजन करने पहुंचे मुख्य अतिथि मोहोली विधायक शशांक त्रिवेदी ने वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ सरोवर निर्माण के लिए भूमि पूजन किया। ब्लॉकेलिया की ग्राम पंचायत देवाई में गंगा पुत्र मैकू स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अमृत सरोवर की आधारशिला रखते हुए मोहोली विधायक ने खंड विकास अधिकारी एलिया विकास कुमार सिंह के कार्यों की सराहना करते हुए क्या कहा, आप भी सुने। चल रही है और मैं चाहता हूँ कि ये गौशाला हमारे जिले की नहीं, हमारे ब्लॉक की नहीं, हमारे मोहली विधानसभा की ही नहीं, पूरे प्रदेश की अव्वल गौशाला बने, ऐसा हमारे ब्लॉक प्रमुख, खंड विकास अधिकारी और प्रधान और आप सब मिलके ऐसा सहयोग करें कि ये गौशाला आदर्श गौशाला बने। यही कहते हुए वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद सभी को। प्रणाम। इससे पूर्व विधायक मोहली शशांक त्रिवेदी का प्रमुख प्रतिनिधि संजू सिंह ने स्वागत किया। इस मौके पर मोहली प्रमुख जगदीश भार्गव, एडीओ प्रमोद शुक्ला, प्रधान गुड्डू अली, पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संजय कुमार, रोजगार सेवक के यादव, दिनेश सिंह, अजीत सिंह, विनोद सिंह, शिव कुमार सिंह, कन्हई सुरेश कुमार, लालतार राम कुमार, अमरपाल सिंह सहित तमाम ग्रामीण मौजूद रहे। अमृत सरोवर को बहुउपयोगी बताते हुए विधायक ने आइंडिया से क्या कहा, आप भी सुने। एक ये जो देवई ग्राम है एलिया ब्लॉक का, तो यहाँ पर इसका अमृत सरोवर में चयन हुआ था, इसी के उपलक्ष्य में यहाँ पर हम सभी लोग हैं, यहाँ पर मौजूद हैं। और ये उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री योगी जी की सरकार की बहुत बड़ी मंशा है कि हर गांव में अमृत सरोवर तालाब खुदे और उस तालाब में पानी हमेशा रहे, क्योंकि पहले हमेशा तालाब भरे रहते थे, अब वो तालाब खाली हो गए थे। तो ये जब लगा कि तालाब खाली हो रहे हैं, कुएं ख़त्म हो गए, तो इसके लिए ये परियोजना बनाई गई है और आपको प्रत्येक गाँव में पानी दिखेगा। हर गाँव में आपको पानी के लिए त्राही त्राही जो मचने वाली थी वो नहीं मचने। क्या यहाँ कुछ बोरिंग की व्यवस्था की जाएगी सर? हाँ? पानी भरने के लिए बोरिंग वोरिंग की व्यवस्था भी की जाएगी? सभी व्यवस्था रहेंगी इसमें, सभी तरीके की। और बल्कि आप लोग, आप यहाँ के जो गांव के निवासी हैं, वो शाम को कहीं जाने की बजाय अपने तालाब के आसपास बैठ के जैसे पार्क में जाके घूमना, उस तरीके की योजना है कि सब बैठे यहाँ पर, सब मिला जुला। ठीक है।